खबर बैराड़ विद्युत विभाग से है, जहां आज विद्युत विभाग बैराड़ की घोर लापरवाही और तानाशाही उजागर होते हुए स्पष्ट दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि बैराड़ नगर परिषद वार्ड क्रमांक 13 LMG स्कूल के पास बैराड़ विद्युत विभाग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ट्रांसफार्मर से करंट आने के कारण एक गाय की मौत हो गई। जब वार्ड वासियों द्वारा करंट आने की शिकायत विद्युत विभाग के आला अधिकारी जेही जगमोहन सिंह जाट से की तो उन्होंने तानाशाही दिखाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये करंट लगना और करंट से मौत होना एक नेचुरल बात है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि जगमोहन सिंह जाट बैराड़ की तानाशाही और मनमानी के चलते एक गौ माता की जान चली गई। वार्डवासियों ने जानकारी देते हुए बताया कि ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा कि यह घटना एक गाय से हुई हो सकता है। विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते ये घटना स्कूल जाते समय छोटे छोटे छात्र छात्रा नौजवान बूढ़े बड़े के साथ घट जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। बुजुर्गों द्वारा कहा जाता है कि जिसका मरता है वही रोता है। इसकी शिकायत वार्डवासियों द्वारा 2 से 3 बार विद्युत विभाग बैराड़ में की गई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद बैराड़ थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। अब देखना ये होगा कि इस विद्युत विभाग के आला अधिकारी की घोर लापरवाही और तानाशाही प्रशासन या प्रशासन द्वारा ठोस कार्यवाही की जाती है या फिर नहीं। आईडीबी में LMD स्कूल के पास में तो आपने से बात की है? नहीं करी थी, दोपहर में भी करी थी, दोपहर में देख दाख के वो भाग आए। किससे बात की थी आपकी? मैंने लाइन में नाम तो नहीं जानते, वो क्या नाम नाम को ध्यान नहीं है मैंने। अभी सुपरवाइजर से बात हुई, रोड पे है ना तो जाली लगी हुई है डीपी के पास में, ना कुछ लगी हुई है, सुबह से करंट आ रहा है डीपी में, कोई अभी तक अभी मान लीजिए स्कूल से कई सारे बच्चे निकलते, किसी एक भी बच्चे को करंट लग जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या उससे ये कह देते कि ये नेचुरल है? अभी भैया गैया को लग गया, गैया वहाँ मरी पड़ी हुई है। अगर मान लीजिए देखो गैया है, अब आपने तो कह दिया कि चलो ठीक है गैया जानवर है, अगर उसकी जगह पर कोई छोटा बच्चा होता 5 साल का 10 साल का, मैं तो ये कह रहा हूँ आप चले जाओ, आप रास्ते पे ही चल रहे हो ना, पानी में भी तो करंट आ रहा है, तो आप कह दो वो तो नेचुरल है। तो पावर हाउस सुपरवाइजर है मनमोहन सिंह जाट, उनसे बात की तो उन्होंने क्या बोला है? वही तो बता रहा हूँ, उन्होंने कहा ये तो नेचुरल है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये तो नेचुरल है, मना कर रहे हैं कुछ नहीं कर सकते। नहीं मुझे कह रहे हैं हम जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं, अब विद्युत मंडल जिम्मेदार है इसके लिए, अब विद्युत मंडल में कोई प्रतिनिधि तो होगा उसका कि डीपी दे गए उसकी किससे बात की, कहीं शिकायत वगैरह कंप्लेंट की है? अभी थाने आके हमने उसी की कंप्लेंट करने आए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो केवल इतना चाहते हैं कि करंट ना आए बस, जो हमारे बच्चे हैं या कोई भी है, देखो चाहे जानवर हो चारों तरफ, मैं तो ये कह रहा हूँ कुत्ता भी हो तो वो करंट से क्यों मरे, उसकी तरफ चारों तरफ वायर फेंसिंग करा दो, वो भी नहीं हो रही तो बस जैसे अभी तक करंट नहीं आ रहा तो उसकी ऐसी व्यवस्था कर दो कि करंट ना आए। सवेरे एक मोड़ा मर गया तो गैस और मोड़ा कहाँ भी थाने पे कैसे हो, क्या कुछ मामला है? वो डीबी में करंट आ रहा हो तो रिपोर्ट करने आए थे। कहाँ पर? थाने पे। LMD स्कूल पे। सुपरवाइजर से बात की? बात की साहब। क्या कह रहे हैं? वो तो नौकर रहेगा, वो तो आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, उसका रोड पे लगी है और क्या कर सकते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई सुरक्षा जाली वहाँ पे नहीं, कुछ नहीं है, खुला डरी है। तो किसी को करंट वरंट लगाया? बहुत गैया मर गई, बछड़ा मर गया, एक बचा लो एक और तो एक आदमी का भी लगो बचा बचू ले वैसे कहा कि आदमी रहता दुकान पे तो वह बान लटिया पड़ी है, दादा का बचा ले नहीं, दो चार मच जाते। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? नहीं शिकायत विद्युत मंडल में करी, वो थाने पे आए मैं सुबह विद्युत मंडल में करी, आप थाने पे नहीं सुनवाई होगी साहब, तो और कार्रवाई चाहेंगे और आगे जाएंगे साहब।